कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। काशी विद्यापीठ में जहां बलिया से प्रारंभ होकर गाजीपुर होते हुए बनारस तक पहुंची है पद यात्रा एक ऐसे दिग्गज छात्र नेता के नेतृत्व में जिनका नाम योगेंद्र सिंह है, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं उनको सरकार को लेकर क्या मांगे हैं आपकी सरकार को। मैं नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू, संयोजक पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर है। विगत 3-4 वर्षों से पूरा पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश में छात्र संघ पर रोक लगा दिया गया है, कागज पर नहीं मौखिक। इस बार उसी के खिलाफ पदयात्रा शुरू हुआ है, जयप्रकाश नारायण जी के माल्यार्पण करके उनके पद चिन्हों पर चलते हुए वो लड़ाई शुरू किए थे इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ पटना यूनिवर्सिटी से छात्रों के बल पर ही। इस बार तो छात्रों के ही शासन कर ग्रहण लग गया है, उन्हीं के पद चिन्हों पर कि तो छात्र संघ चुनाव होगा और नहीं तो ये सरकार रहेगी। सरकार को तत्काल प्रथम चक्र जो आज समाप्त होगा, इसके बीच में द्वितीय चक्र का घोषणा होने से पहले अगर छात्र संघ का चुनाव घोषित कर देती है तो हम देखते हैं, और नहीं तो दूसरी चक्र की लड़ाई में आर पार की लड़ाई होगी, जो सरकार से ही सीधी लड़ाई होगी कि तो छात्र संघ चुनाव होगा नहीं तो सरकार के ही नस्तनाबूद किया जाएगा। छात्र संघ के ऊपर हमेशा से गुंडागर्दी का आरोप लगता आता है, जैसे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में VC के ऊपर जो अभद्र कार्य किया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? छात्र संघ आप आँख से देखे, छात्रों को गुंडा कहा, आपने कहा, आपके आँखों के सामने छात्रों के सभा के बीच में चीफ प्रैक्टर द्वारा किस तरह का बदतमीजी किया गया। अगर हम नहीं रोके होते तो गुंडे ही तो वो लोग करते हैं और छात्रों पर थोप देते हैं। उसी तरह गोरखपुर में छात्रों के ऊपर थोप दिया गया, गुंडे ही वही लोग करते हैं। हम तो पढ़े लिखे इंसान हैं, कोई MSc है, कोई PhD है, कोई BA है, कोई BCom है, कोई BA, ये सारे लोग पढ़े लिखे, गुंडा नहीं है, ये शिक्षित लोग हैं। ये पढ़े लिखे गुंडे होते हैं जो अपना शासन चलाने के लिए जानबूझकर छात्रों से उठा करके झगड़ा करते हैं और छात्रों को दोषी ठहराते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी छात्र संघ के चुनाव हुए हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए गए हैं? छात्र संघ सरकार की, कोई सरकार हो, छात्र संघ लगाम होती है शासन का, प्रशासन का। युवा वर्ग जब जग जाता है तो किसी का तख्ता पलट देता है, इसमें कोई नहीं से कुछ आप जब से आज़ादी मिली है तब से देख रहे हैं। छात्र संघ पर रोक, नया शिक्षा नीति को लागू करने के भय से कि विरोध होगा, उसके भय से छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं देना है, उसके भय से अभी आप देख रहे हैं कि काशी विद्यापीठ में अभी प्रवेश चल रहा है। अगर छात्र संघ रहता तो प्रवेश पहले ही समाप्त हो जाता, समय से रिजल्ट आता और समय से सारे लोगों का प्रवेश होता। ये छात्र संघ की कमी का दिन है। अगर रहता, इसी आवाज़ को दबाने के लिए ये
कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन और जिला प्रशासन और शासन की मिली भगत से छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए छात्र को रोक लगाया गया। आप टीडी कॉलेज बलिया से अपनी पद यात्रा प्रारंभ करते हैं जो गाजीपुर होते हुए बनारस पहुंची। इसके बीच में तमाम ऐसे कॉलेज हैं जहां पर छात्र संघ चुनाव होते थे जो इस समय बंद चल रहे हैं, वहां के छात्रों का कैसा समर्थन प्राप्त हो रहा है? आप देखे ही होंगे सोशल साइट पर मीडिया के माध्यम से बलिया से लगाए गाजीपुर आज बनारस में आपके सामने जो उत्साह और समर्थन मिल रहा है, जिस तरह का यही हालत रहा तो दूसरे चक्र में सरकार बैकफुट होगी, अच्छा संघ चुनाव होकर रहेगा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के महामंत्री प्रत्याशी साहिल यादव जी। अभी चीफ प्रॉक्टर मैम के द्वारा इनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया और छात्रों को गुंडा घोषित किया गया, इसको लेकर आप कैसे देखिए उनका रवैया ऐसा ही रहता है, छात्रों के साथ हमेशा छात्रों को दबाने का काम करता है विश्वविद्यालय प्रशासन, लेकिन इस बार सभी छात्र एकजुट होकर छात्र चुनाव करा के ही दम लेंगे और हम लोग अभी उनके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, बहुत जल्द उनके खिलाफ आंदोलन होगा। इस समय हमारे सर और छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी मौजूद हैं, आपसे मैं पूछना चाहूँगा जो चीफ प्रॉक्टर मैम के द्वारा किया गया, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं यहाँ पे आए हैं छात्र संघ बहाली को लेकर, तो जिन उनके साथ इनके द्वारा जो अभद्र कार्य किया गया उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए चीफ प्रॉक्टर के द्वारा जो अभद्र कार्य किया गया वो बहुत निंदनीय है और ये पदयात्रा जो चली है बलिया से चली है, बलिया से गाजीपुर होते हुए आज बनारस में आई, सारे कॉलेजों विश्वविद्यालयों में घूमते हुए पदयात्रा यहाँ तक पहुँची है। हर जगह ये पदयात्रा पूरी शांतिपूर्ण रही है और इस कैंपस में आने के बाद समाज चौराहे पे आज चीफ प्रॉक्टर द्वारा छात्रों को उकसाने का कार्य किया गया है। छात्र अपनी पदयात्रा जो है वो एकदम शांतिपूर्वक लेके चल रहे थे, लेकिन ये चीफ प्रॉक्टर इस छात्रों को उकसाने का कार्य किया और ये कार्य बहुत निंदनीय है। इस समय हम साथ मौजूद हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में महामंत्री पद के एक और प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा जी। आपको सरकार से क्या मांगे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर? ये हम लोग का अधिकार है, छात्रों का सभी का ये अधिकार है, ये हम लोग को अधिकार देना चाहिए क्योंकि इसी से ही हम लोग आगे की नेताओं में भी भविष्य में नेता बन सकते हैं। ये हम लोग का सीढ़ी है, ये पहला हम लोग का अधिकार है, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग का छात्र संघ चुनाव कराएँ, ये हम लोग का अधिकार है। चीफ प्रॉक्टर मैम के द्वारा तमाम आरोप लग रहे हैं उसको आप कैसे देखें? ये चीफ प्रॉक्टर बहुत अजीब तरीके से बिहेव आ रही है, छात्र संघ का चुनाव का जब नाम लिया जा रहा है तब उनके ऊपर पता नहीं क्या होते जा रहा है, वो अजीब व्यवहार करने लग रही हैं। अभी हम लोग का पद यात्रा आया जिसमें बहसी बहसा करने लगी कि आप लोग यहाँ से निकलिए, ये कीजिए वो कीजिए, ये हम लोग को हमेशा डराती ही रह रही हैं छात्र संघ नहीं कराने के पक्ष में। छात्र संघ बहाली को लेकर आपकी क्या मांग? छात्र संघ बहाली को लेकर हमारी मांग ही हमारी जो मांग है वही है, छात्र संघ बहाली की ही मांग है और इसमें कोई अलग से हमारी मांग नहीं है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि आए दिन हमारे विश्वविद्यालय में, अभी हमारे विश्वविद्यालय में हम अपने बड़े भाई जो पदयात्रा निकाल के आए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा हमारे विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती चली आ रही हैं। आज हमारे विश्वविद्यालय में लगातार 2 वर्षों से जब से हमारा विश्वविद्यालय में छात्र संघ बंद है, लगातार परिणाम जो भी परीक्षा परिणाम आते हैं उसमें लगातार ऐसे तमाम हजारों छात्रों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन उनके परीक्षा परिणाम में अब्सेंट लगा के RW के माध्यम से और नई शिक्षा नीति के तहत उन्हें किसी न किसी बहाने विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत एक हर 10 से 15 दिन के उपरांत एक टेस्ट के माध्यम से लोग बताया जाता है कि एक टेस्ट हो रहा है जिसमें आपको 25 नंबर मिलेगा, लेकिन वो टेस्ट कब होता है ये छात्रों को तो विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार तो कहती है नई शिक्षा नीति आई है क्योंकि छात्रों के ऊपर कम दबाव आएगा और उनको पेपर 2 बार देने का मौका मिलेगा, कोई फेल नहीं होगा, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं। अरे फेल आप देखिए आपके पास, मैं अभी आपको अभी आप अपने देखिए, मैं अभी विश्वविद्यालय प्रशासन को आंकड़ा आपके सामने समझ पेश कर दूंगा। अभी आप देखेंगे कि अभी जो भी विश्वविद्यालय के जितने छात्र हैं, आप कभी छात्रों से जाइए बात करिए उनमें कितनी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय में आप देख रहे हैं हमें ऐसी नई शिक्षा नीति नहीं चाहिए जिसमें हमें विश्वविद्यालय में 400% फीस। जैसा आप सभी ने देखा है इस समय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों की भीड़ आई हुई है जो छात्र संघ बहाली को लेकर एक पद यात्रा निकाली थी जो बलिया से चलकर गाजीपुर होते हुए बनारसी पहुंची।